एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट हेयर। कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट। इसे आप केराटिन ट्रीटमेंट कहेंगे या फिर हेयर पॉलिशिंग कहेंगे या फिर हेयर ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से हमारे बालों को बहुत ही सॉफ्ट, सिल्की और स्मूथ करता है। बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं हमारे, तो उनको भी कवर करता है बहुत अच्छे तरीके से। या आपने रिबॉन्डिंग कराई है, डैमेज हेयर हो गए हैं, या आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके बालों में शाइन नहीं आ रही है, तो करा सकते हैं। ये सामने देख सकते हो, ये तीन बॉटल है और चौथा इसकी स्पा क्रीम। ये है बॉटल केराटिन ट्रीटमेंट और यहाँ हूँ आपके सामने मैं। तो आज मैंने सोचा चलो अपने ही बालों पे आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। मैंने कभी कोई ट्रीटमेंट अपने हेयर में नहीं कराया है, बहुत ड्राई हेयर है मेरे, तो ड्राई हैं बहुत ज़्यादा आपके भी, तो सिल्की और स्मूथ कर सकते हो इन्हें। सबसे पहले मैंने अपने हेयर को शैम्पू से वॉश किया था। इसमें हमें चार चीज़ें दी गई होती हैं बोटॉक्स केराटिन में। ये 100% नेचुरल है। इसमें फर्स्ट नंबर पे हमारा शैम्पू होता है जिससे अपने हेयर को क्लीन करेंगे। नंबर सेकंड पे इसमें हमें प्रोडक्ट दिया गया होता है केराटिन ट्रीटमेंट जिससे हम करते हैं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी पे 1, 2, 3, 4 लिखा होता है जिसके अकॉर्डिंग आप चलते जाएंगे। 1 पे करना है शैम्पू, 2 पे करना है अपना ट्रीटमेंट, 3 पे करना है फिर से शैम्पू, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सेक्शन देख सकते हो किस तरीके से निकालने हैं। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें कि अपने क्लाइंट की कटिंग शीट लगा लें, सेक्शन क्लिप ले लें, कट करना है तो सीजर ले लें, ग्लव्स डाल लें अपने हाथों में ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। है तो 100% नेचुरल, क्योंकि इसमें ऑर्गन ऑयल और एसेंशियल ऑयल का यूज़ किया गया है, और केराटिन से ही हमारे बाल बनते हैं और प्रोटीन से ही केराटिन बनता है। तो प्रोटीन हमारे बालों में जाएगा तभी हमारे बाल स्मूथ और सिल्की हो पाएंगे, तो वो दे सकते हैं हम केराटिन के जरिए। ये एक तो देते हैं हम अपने खाने के जरिए, जैसे दाल, पनीर, अंडा, इन चीज़ों से, लेकिन ये रेडीमेड प्रोटीन आते हैं जो हम अपने बालों में आसानी से दे सकते हैं। तो इस तरीके से, और नेचुरल प्रोटीन तो आप जानते ही हैं कि हमें घर से ही मिल जाते हैं, बट बालों में इतनी जल्दी से वो रिज़ल्ट नहीं दे पाते, तो आप केराटिन ट्रीटमेंट या इसके जरिए आप अपने बालों को सिल्की और शाइनी बना सकते हैं। आप सेक्शन देख लेंगे किस तरीके से निकाला है, और आप कभी भी ये लापरवाही ना करें। आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि मैं थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लगा लूँ बच जाएगा, मोटे मोटे सेक्शन ले लूँ। आप सेक्शन एकदम पतले पतले लेंगे जैसा कि हम रिबॉन्डिंग में लेते हैं, क्योंकि ये पूरे अच्छी तरह से प्रोडक्ट हमारे बालों में लग जाना चाहिए। और आप ये भी ना सोचें कि ये महंगा है और बहुत ज़्यादा लगता है, ये बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में लगता है, पूरे बालों में अच्छे से फैल जाता है, और जब हम इसके प्रोडक्ट के ऊपर प्रिप्रेसिंग करते हैं तो अच्छे से हमारे हेयर में पेनिट्रेट हो जाता है, ये बिल्कुल अंदर तक चला जाता है, तभी इससे हमारे बाल सिल्की और स्मूथ होते हैं। तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आप रिबॉन्डिंग करा के थक गए हैं, या आपने कुछ ऐसा बालों में कराया है, या आपके बालों में शाइन नहीं है, तो आप केराटिन करा सकते हैं। बट केराटिन भी बहुत तरीके के हैं मार्केट में अवेलेबल, आपको ये जानना जरूरी होता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये है बोटॉक्स केराटिन ट्रीटमेंट जो सबसे बेस्ट है। इसमें एसेंशियल ऑयल है बहुत ज़्यादा, नेचुरल है, नारियल है इसमें, ऑर्गन ऑयल है इसमें, सारी चीज़ें नेचुरल ही डाली गई हैं जो हमारे बालों को सिल्की और स्मूथ बनाने में हेल्प करें। और सेक्शन मेरी स्टूडेंट देख रहे हो किस तरीके से लेती जा रही हैं, तो यहाँ पर एक एक सेक्शन लेंगे बिल्कुल पतला पतला। आप हेल्प भी ले सकते हो क्योंकि अकेले से मुश्किल होता है करना, और मैंने जन्माष्टमी के दिन बनाया था, मैं भी चाह रही थी कि मैं कुछ अपने बालों पे कुछ अलग से करूं, थोड़ी सिल्की और शाइन हो जाए। और देख भी रहे होंगे आप मेरी वीडियो में, मेरे हेयर बहुत ज़्यादा सिल्की हो गए हैं, जो रफनेस थी मेरे बालों की वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो काफ़ी अच्छा है। आप कर सकते हो और करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्केट में तो काफ़ी अवेलेबल है केराटिन, लेकिन किसी में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी में कोई, क्योंकि कईयों को रहता है कि ये सांस के जरिए हमारे मुँह में चला जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। बट इनमें अलग अलग होते हैं, कुछ विटामिन से बने होते हैं, कुछ वेजिटेबल से होते हैं, कुछ ऐसी एनिमल्स के उससे बने होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करते हैं। बट ये बहुत ही अच्छा है, और मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, आप वो वीडियो भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, मैंने अपनी डॉटर के हेयर में किया था। और करना भी बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और अच्छा रहता है। और चार प्रोडक्ट जो दिखाए गए हैं उसके साथ आपको 1, 2, 3, 4 उन पे लिखा दिया गया होता है। मार्केट में मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मंगाया था। आप भी बोटॉक्स केराटिन ट्रीटमेंट का नाम लिख के सर्च करेंगे तो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। ये देख रहे हो बिल्कुल दो पार्टीशन में लगाती आ रही हैं, और ग्लव्स डालना बिल्कुल ना भूलें, किसी की सेंसिटिव स्किन होती है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको। और एक एक सेक्शन लेके पूरे बालों में अच्छे से लगाना है।
इसे इसी तरीके से लगाते चले जाएंगे और थोड़ा कम पड़ता है तो आप दोबारा भी ले सकते हैं। 15,000 का मंगवाया था मैंने, ये आपको 12 में भी मिल सकता है, कम में मिल सकता है, जैसा भी। और काफ़ी 15,000 में मेरे पास 2 सेट आए थे इसके, तो काफ़ी अच्छा, और शैम्पू कंडीशनर भी थे साथ में। और ऐसा नहीं है कि आपके सवाल होंगे कि मैम मैंने रिबॉन्डिंग ने कराई है या स्मूथनिंग कराई है तब कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। या आपने नहीं भी कराई है, आपके बाल में ड्राइनेस हो रही है, आपके बाल डैमेज से लगते हैं आपको, तो भी इस ट्रीटमेंट को करवा सकते हो, क्योंकि ये हमें बहुत स्मूथ और सिल्की करता है, प्रोटीन की क्वांटिटी को पूरा करता है हमारे बालों में, जिसके बाद जो भी हमारे बालों में कमियाँ होती हैं उन सभी को पूरा कर देता है, क्योंकि हमारे बालों में प्रोटीन जा रहा है और प्रोटीन से ही हमारा बाल बनता है। तो वो चीज़ हम इस तरीके से अपने बालों में पहुँचाते हैं जिससे बाल सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं, टूटने झड़ने बंद हो जाते हैं, काफ़ी अच्छा है। बट ये ध्यान रखें, कोई ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं, आपके बाल पहले से झड़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ ना कराएं। ये तो एक ट्रीटमेंट है जो प्रोटीन देगा, बट रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग या इन सब की बात आती है तो ना ही कराएं, बालों को पहले झड़ने से रोक लें उसके बाद कराएं। और इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया, आप देख रहे हो। अब इसको हम 25 मिनट के लिए थोड़ा छोड़ देंगे ताकि बालों में अच्छे से चला जाए, और इसके बाद करेंगे हम कूल ड्रायर। बालों को वॉश नहीं किया है, प्रोडक्ट के ऊपर ही हम कूल ड्रायर कर रहे हैं, बिल्कुल सुखा देना है इसको और उसके बाद हम प्रेसिंग करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हो हमारे बाल सूख गए हैं मेरे, और इसके बाद हम प्रेसिंग करेंगे। प्रेसिंग क्या करेगी, जितना भी प्रोडक्ट हमें लगाया था वो पूरे अच्छे तरह से पेनिट्रेट हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, जिससे नेचुरल तरीके से अंदर जाएगी। और देख रहे हो लेयर अभी भी यहाँ पर, टेम्परेचर अब आप 190 डिग्री का रखें हमारे हेयर के अकॉर्डिंग, और काफ़ी अच्छी हीट होनी चाहिए। आप देखेंगे कई जगह पर धुआं बहुत तेज आएगा, ये अच्छे तरह से। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मास्क लगा सकते हो, बट इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी तो हमने किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था, ना ही मैंने और ना ही स्टूडेंट ने किसी ने भी। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मास्क का यूज़ कर सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं। इसमें 2 प्रेसिंग मशीन का यूज़ कर रहे हैं, एक प्रेसिंग मशीन आप देख रहे होंगे चोबा की है और दूसरी है आइकॉनिक की। दोनों ही इसमें आप मीडियम बजट वाली प्रेसिंग मशीन ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि उसमें हीट नहीं होती और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा अच्छा है ध्यान में रख कर करें। आप एक बार अपना प्रोडक्ट भी यूज़ करेंगे और फिर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा तो अच्छा भी नहीं होगा। प्रेसिंग का भी ध्यान रखें कि कौन सी लेनी है, कैसी यूज़ करनी है। और सेक्शन देख रहे हो, उतने ही पतले सेक्शन लेंगे, जितने पतले सेक्शन लेंगे आपको रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। और आपने अभी तक मेरे केराटिन और रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग के वीडियो नहीं देखे हैं, मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट लॉरियल, श्वास, कोफिनी का यूज़ करती हूँ, तो दोनों चैनल पर ही है मेरे वीडियो, नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड पर भी है और ऑल अबाउट पेयर पर भी। सीखना चाहते हो रिबॉन्डिंग, देखना चाहते हो स्मूथनिंग, दोनों में से कुछ भी है, इनके बारे में जानना चाहते हो कि रिबॉन्डिंग हमें कितना रिजल्ट देती है, स्मूथनिंग कितना रिजल्ट देती है, या केराटिन कितना रिजल्ट देती है, या इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा ज़्यादा बेटर होता है कराना कौन सा नहीं, तो सारे वीडियो मैंने आपको डिटेल में दिए हैं। आप मेरे चैनल पर चेक करें, आपको सभी सवालों के जवाब अच्छे से मिल जाएंगे, क्योंकि मैं जो भी बताती हूँ मैं नहीं चाहती हूँ मेरा क्लाइंट देख रहा है या सब्सक्राइबर देख रहे हैं, कोई ऐसा देख रहा है जिसे नॉलेज नहीं है तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान रख के देखना चाहते हैं तो सर्च करें मेरे वीडियो, आपको मिलेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स भी सीखना चाहते हैं तो मैं फ्राइडे को लाइव आती हूँ यहाँ पर ऑल अबाउट पर, और ट्यूसडे को लाइव आती हूँ अपने चैनल नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड पर। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ सीख सकते हैं नया नया, पार्लर से रिलेटेड या मेकअप से कुछ भी। और एक और चैनल है मेरी डॉटर का, प्रिया सैनी ऑफिशियल, वहाँ पे आपको मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रिव्यू, मेकअप, हर एक छोटी से छोटी वीडियो जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो चेक सब्सक्राइब कर लें उसको भी और देख लें मेरे चैनल को, एकदम डिटेल में बताती हूँ। आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो आप मेरे को फ्राइडे को लाइव में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं ताकि मैं आपकी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। कई बार क्या हो रहा है, आजकल बिजी चल रही हूँ तो आपके कमेंट्स नहीं देख पाती हूँ। आपको ये ना लगे कि मैम कमेंट्स नहीं पढ़ती है, पढ़ती हूँ, बट कई बार क्या होता है कि जो आप नहीं दे पाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि लाइव आकर दूँ।
ये इस तरीके से देख रहे हो कितनी बारीक बारीक कर रही हैं, क्योंकि इसमें अपना ही नुकसान होता है। अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपके क्लाइंट का भी नुकसान है और आपका भी नुकसान है। तो अच्छे तरीके से करें, थोड़ा टाइम लगा कर करें और प्रोडक्ट को देख कर ध्यान में रख कर करें। इस तरीके से प्रेसिंग बिल्कुल एक एक सेक्शन पर करनी है। आपको यहीं पर रिजल्ट मिलेगा, लेकिन बेस्ट रिजल्ट हमारा वॉश करने के बाद दिखाई देगा हमें। तो प्रेसिंग 180 डिग्री पर भी कर सकते हो, थोड़ी हीट कम है तो 190 पे कर सकते हो, 200 पे भी कर सकते हो। और इस तरीके से पूरे ही बालों में करनी है। आप देख रहे हो मेरी हाइलाइटिंग कितनी उभर के आ गई है। बहुत ड्राई डैमेज हेयर हो रखे थे तो आपको ज़्यादा नज़र भी नहीं आती थी। वैसे तो मुझे अपने ऊपर कर्ली हेयर बहुत पसंद आते हैं, बट मैंने सोचा चलो थोड़ी ड्राइनेस दूर करने के लिए तो ऐसा करना ही पड़ेगा। और काफ़ी सिल्की और स्मूथ लगते हैं मुझे बाल, छूने में भी अच्छा लगता है। और ये रिज़ल्ट कम से कम 1 मंथ ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। आप सोचेंगे 3-4 महीने रहेगा, या ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसके बालों का जैसा टेक्सचर होता है उस पर डिपेंड करता है, लॉन्ग थोड़ा टाइम भी रह सकता है 2 महीने तक, वरना तो आपका 1 मंथ ही रिजल्ट देगा। लेकिन जो चीज़ हमारी मेन होती है कि प्रोटीन हमारे बालों के अंदर जाए और बालों की प्रॉब्लम को दूर करे, तो वो हमारा एक ही बार में चला जाता है अच्छे से। तो ये ट्रीटमेंट करवा सकते हो आप, आपको अच्छा लगेगा। और फ्रंट से भी अच्छे से प्रेसिंग कर लेंगे। प्रेसिंग होने के बाद अब हम इसे 5 या 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे, क्योंकि एकदम से गर्म हीट हो गई है बालों में। तो डायरेक्ट ठंडे पानी से वॉश करेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाएगी सरद गर्म की। तो मैं 5-10 मिनट रुकूंगी और उसके बाद देन वॉश करूंगी। नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। आप देख सकते हो बाल भी अच्छे लग रहे हैं और उभर के भी आ गए हैं। और इस तरीके से वॉश करने के लिए जाएंगे हम। कहीं आपको लगता है कि वेव आ रहा है या कुछ भी है, तो दोबारा प्रेसिंग का ज़रूर यूज़ करें। ये ना सोचे कि ऐसे ही ठीक है। ये देख सकते हो मुझ पर ज़्यादा जच नहीं रहे हैं यार, फ्रंट से स्ट्रेट हेयर। तो अब यहाँ पर शैम्पू लेंगे नंबर। अब यहाँ पर हम बालों को वॉश करेंगे। अभी शैम्पू नहीं लगाएंगे, बट शैम्पू से ही वॉश करना है। पहले जितना प्रोडक्ट हमारे बालों में लगा हुआ था उसे अच्छे से निकाल लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद नंबर 3rd पे आ जाता है हमारा शैम्पू। आपको 1, 2, 3, 4 बिल्कुल लिखा हुआ मिल जाएगा जो केराटिन ट्रीटमेंट लेंगे तो। तो यहाँ पे शैम्पू का यूज़ करें, प्रोडक्ट लगाया था हमने वो सारा निकाल देंगे अच्छे से। उसे निकालने के बाद ही हम शैम्पू लेंगे। तो ये निकल चुका है हमारा अच्छे से, जितना ज़्यादा उसके साफ़ पानी से यूज़ करें। अब लेंगे हम शैम्पू, नंबर 3rd पे हमारा शैम्पू। अब शैम्पू से अच्छे से वॉश करेंगे। इसी कंपनी का ही शैम्पू है, बोटॉक्स केराटिन का ही डिटॉक्स शैम्पू। और इस तरीके से अच्छे से बालों में लेंथ तक लगाएंगे, लगाएंगे अच्छे से और अच्छे से थोड़ा समर्स करेंगे हल्के हल्के हाथों से, और उसके बाद इसे वॉश कर देंगे। कम पड़ता है तो आप दोबारा ले सकते हो, ताकि लेंथ एरिया पर और पूरे पर अच्छे से लग जाए इस तरीके से। और यहीं पर ही हम स्पा क्रीम भी यूज़ करेंगे जो नंबर 4th पे है। कंडीशनर का अभी यूज़ नहीं करेंगे हम, कंडीशनर का यूज़ बाद में करेंगे जब हम 3rd स्पा देंगे। इस तरीके से शैम्पू हो रहा है अभी हमारा, और इसके बाद इसे वॉश कर लेंगे। अब वॉश कर देंगे और उसके बाद लगाएंगे हम स्पा क्रीम। अच्छे से वॉश करना है, आपका प्रोडक्ट कहीं भी रहना नहीं चाहिए। जिस तरीके से हम रिमॉर्निंग में करते हैं कि हमारी कोई भी स्मूथनिंग क्रीम होती है या न्यूट्रलाइज़र होता है, बालों में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर भी यही सब ध्यान देंगे। मैं इसीलिए थोड़ी सी वीडियो को लॉन्ग कर रही हूँ, ताकि आराम से बोल पाऊँ और आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब अच्छे से इसको शैम्पू को वॉश कर देंगे, ज़्यादा अच्छे पानी से धोएं, ताकि हर प्रोडक्ट जो भी हम लगा रहे हैं वो निकल जाए अच्छे से। जो इसके बाद ये रिफ्लेक्स मास्क यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे बालों को अब यहीं पे लॉक कर देगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है। ये है नंबर 4th पे, ये बालों को लॉक कर देगा हमारे। और हम 3 डेज वही सब करेंगे जो हम रिबॉन्डिंग में करते हैं। बालों को क्लिप नहीं लगाना है, बालों को नमी नहीं आनी चाहिए, एसी में ही रहना है। बारिश का मौसम है तो ध्यान रखें कि बाल भीगे ना बिल्कुल भी। और मास्क को लगा के 4-5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, ये देख रहे हो इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी फॉलो करनी है, अगर आप चाहते हैं आपका अच्छा रिजल्ट आए। 3rd डे आप स्पा करा सकते हैं दोबारा से, और इतने ही टाइम तक इनको ओपन रखना है, कोई क्लच नहीं करना है, कोई रबड़ नहीं करना है इस तरीके से। तो आपके बालों का रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब स्पा क्रीम को रिमूव कर देंगे हम, वॉश कर देंगे अच्छे से।
और उसके बाद पूरा प्रोडक्ट निकल जाना चाहिए, अपने लेंथ एरिया तक देखें। वॉश करने में बिल्कुल भी थोड़ा टाइम ना, अच्छे से बालों से प्रोडक्ट निकल जाना चाहिए आपका। यहाँ पर धुल चुके हैं मेरे बाल, टावल ले लेंगे और टावल से अच्छे से निचोड़ लेंगे। 10% पानी बिल्कुल सुखा लेंगे एकदम से, ऐसा नहीं कि आप गीले वालों पे लगाएंगे। चाय का टाइम हो गया था मेरा, तो साथ में चाय पी रही थी, तो 10% गीले रह जाएँ तो आप ड्रायर करेंगे एकदम। पानी टपकते हुए बालों में ड्रायर कभी ना करें इस तरीके से, और ड्रायर का ध्यान रखें कि कूल ड्रायर ही करेंगे, हॉट नहीं करेंगे। ये हमारा लास्ट चल रहा है बिल्कुल, यहाँ पर कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे हम। बालों को अच्छे से सुखाना है। अगर आप बारिश के मौसम में कर रहे हो या ये चिपचिपा मौसम है, आप गीला छोड़ेंगे तो बालों में वेव आ सकता है, तो इसीलिए अच्छा है कि 100% सुखाएं बालों को। ये लास्ट चल रहा है हमारा, इस तरीके से बालों को पूरा सुखा लेंगे। उसके बाद अपना ब्रश लेंगे ब्लो ड्रायर वाला और इस तरीके से कॉम कर देंगे। कॉम करने के बाद दिखाऊंगी आपको, देख सकते हो मेरे बालों का रिजल्ट। मैं थोड़ा सा हेयर कट लूँगी अभी हल्का सा, और अभी गीले ही बाल हैं तो अच्छे से पूरी तरीके से सुखा लें। सूखे बालों में देखेंगे आप रिजल्ट, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे भी। यहाँ पर हल्का सा ट्रिम करना चाहें ट्रिम कर दें, मैं बिल्कुल थोड़ी लेंथ करा रही हूँ क्योंकि कटिंग आपको दिखा चुकी हूँ, तो उस टाइम नहीं की थी मैंने। और इस तरीके से एक्स्ट्रा निकाल लें, आपने देखे होंगे। अभी मैंने हेयर कट का वीडियो भी दिया है अपने बालों पे, तो वो भी चेक कर लें, अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये हमारा लास्ट चल रहा है, समझ भी आ गया होगा। और देख सकते हो बाल, और बैक से देखना चाहेंगे तो देख सकते हो मेरे बाल। आपको वीडियो पसंद आया और केराटिन ट्रीटमेंट समझ आया तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।